नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। जनवरी को जिले में होगी किसान सम्मान ट्रैक्टर तिरंगा रैली आयोजित। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिलों में आयोजित की जाएगी किसान सम्मान ट्रैक्टर तिरंगा रैली। उक्त कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए नगर के मल्लिकार्जुन होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया गया कि किसान भाइयों के अधिकार, हक और सम्मान में परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुसमी से 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से विशाल किसान तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों के प्रति लाए गए 3 काले कानून के विरोध किया जाएगा और साथ ही साथ जो बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसके सम्मान में तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 500 से अधिक ट्रैक्टर सम्मिलित होंगे। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस रैली व किसानों के लिए लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में और किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर अपने हक व अधिकार की लड़ाई में शामिल हो। आपने आज प्रेस वार्ता आयोजित की थी 26 जनवरी के पावन अवसर पर किसान सम्मान ट्रैक्टर तिरंगा रैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें कोसमी एफसीआई गोदाम से प्रारंभ होंगे। हनुमान चौक होते हुए शहर के मार्केट वाली रोड से गुजरी होते हुए अवंती चौक से जयस्तंभ चौक से अम्बेडकर चौक और अम्बेडकर चौक से अपन ग्राउंड में खड़ा करेंगे, उत्कर्ष मैदान में। ये सिंधु बॉर्डर पर जो 2 महीने से हमारे किसान भाई वहाँ पे अपने धरने पे बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसी के समर्थन में हम एक दिन अपने जिले के किसान भाइयों के साथ एक दिन का समर्थन हम उनको दे रहे हैं। या प्रदर्शन में तो पूरे जिले के किसान आ रहे हैं। अब जिले में तो इतने ट्रैक्टर है कि हर गांव में 10, 20, 25, 50 ट्रैक्टर है, लेकिन फिर भी कम से कम इस प्रदर्शन में 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर रहेंगे, ये हमारी ऐसी आशा है। आपके किसान को कौन कौन सी पार्टी समर्थन करेगी? नहीं, ये पार्टी कोई समर्थन करे ना करे, ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। किसानों के आंदोलन में कांग्रेस समर्थन करती है? नहीं, पार्टी जिसको समर्थन करना है करे, हम किसी पार्टी का झंडा लगा के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसान का झंडा लगा के आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी पार्टी कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पार्टी समर्थन कर सकती है, किसान हित में किसान बनकर समर्थन होना चाहिए, किसान बनकर समर्थन, राजनीति करने के लिए नहीं। और हमारा जो ये आंदोलन है किसानों का आंदोलन, हम विगत 11 जनवरी से 17 जनवरी तक के भी किए राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से, और ये अच्छी पहल है कि बालाघाट के भी किसान जागरूक हो गए हैं और यहाँ के किसानों ने भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की रैली निकाल कर किसान विरोध के खिलाफ जो कानून पास हो गए उसके विरोध में मार्च निकालते हैं। और ये भारत में अडानी अंबानी ही उद्योगपति नहीं है, भारत में बहुत सारे भी उद्योगपति हैं, लेकिन षड्यंत्र के तहत भारत में यहाँ का शासन प्रशासन अडानी अंबानी को पूरी देश की जो सरकारी संस्था है उसको निजीकरण करके सौंपी जा रही है। तो हम किसानों से ये मांग करते हैं कि शासन के साथ साथ ये जो उद्योगपति षड्यंत्र के तहत पूरे यहाँ के मूल निवासियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इनके भी प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाए हैं वो सारे प्रोडक्ट का विरोध हो। जैसे अंबानी अडानी के कई प्रोडक्ट है, फार्चून तेलों में निकल गए, कई प्रोडक्ट और बना रहे, उन सब का विरोध हो, और इनके सिम कार्डों का विरोध हो, जियो का विरोध हो, और दूसरे सिम ले, दूसरा ये ले, और हम निवेदन करेंगे दूसरे सिम वालों से, और भी कई सिम वाले हैं, एयरटेल है, आइडिया है, BSNL है देश का, ये सारे से निवेदन करेंगे, हम उनके ऑफिस जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप आइए उस दिन और हम किसान स्वेच्छा से अपने उन किसान विरोधी कानून के खिलाफ ये 2 उद्योगपति के हर प्रोडक्ट को विरोध करते हैं और हम आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, स्वीकार करेंगे, वोट करेंगे।